दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और नई वीडियो में। और आज हम आ रखे हैं उत्तराखंड हल्द्वानी के महिंद्रा शोरूम में। और सामने जो गाड़ी देख रहे हो ये एक्चुअली महिंद्रा की बुलेरो नहीं है, ये है महिंद्रा का बुलेरो पिकअप। जी हाँ, अगर मैं इसको साइड से दिखाता हूँ, क्योंकि फ्रंट से तो बुलेरो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगर आप साइड से देखते हो तो आपको दिखेगा हाँ यार ये तो एक पिकअप है। और इसका नाम है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, महिंद्रा बुलेरो कैंपर। जी हाँ, इसका कैंपर नाम है। और ये उनके लिए बहुत अच्छा व्हीकल है, जो अपने कमर्शियल पर्पस के लिए व्हीकल चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसा ही नहीं है, अगर आपको मान लो कमर्शियली आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो, अगर आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर ये चीज़ चाहिए, मान लो अगर आपको कोई सामान के साथ साथ अपने कुछ लोगों को भी साथ में ले आना, तो इसको आप लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको चार दरवाजे मिलते हैं, फोर डोर व्हीकल है। क्योंकि आपने जैसे गौर करा होगा सड़कों पर जो आपने इस टाइप की व्हीकल देख रखे होते हैं उसमें खाली दो डोर होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, फोर डोर आपको मिलते हैं। तो अपने सामान के साथ साथ कुछ लोगों को भी आप इसमें लेके जा सकते हो। और ये इसका 4x4 वाला वेरिएंट है। आप चाहो तो इसका जो 4x2 वाला वेरिएंट है उसको भी ले सकते हो, वो इससे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और इसके ऊपर इसका जो गोल्ड वेरिएंट है, गोल्ड कैंपर करके, वो मिल जाता है। उसमें क्या डिफरेंस मिलता है हमें? उसमें मेनली कलर का डिफरेंस रहेगा, ग्राफिक का डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज हर चीज सेम रहती है। मतलब पावर और जो फीचर्स है वो सब कुछ वही है, मतलब बेसिक चीजें इसमें मिलती है, ऐसे नहीं बहुत फैंसी चीजें आपको मिल जाएंगी। बुलेरो जैसा ही हिसाब है, उससे भी थोड़ी कुछ कम चीजें मिलती है, लेकिन जिस काम के लिए ये बना है वो काम ये पूरा परफेक्टली अच्छे से निभाता है। जो सामान आपको ले आना है, जहाँ ले आना है, हर जगह ये अच्छे से ले आएगा। बाकी अगर प्राइसिंग वाइज बात करें तो इतने क्या प्राइस पड़ता है इसका? इसका प्राइस हम आपको ऑल ओवर इंडिया बताना चाहते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं बताएंगे। जो हल्द्वानी से भाई लोग देख रहे हैं वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर और एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। प्राइसिंग की बात करता हूँ तो ये इसका VX वेरिएंट है, आप इसको सेकंड ऑफ वेरिएंट कह सकते हो। वैसे मैक्सिमम ये वाला वेरिएंट सेल होता है। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, ऑन रोड तो आपको पड़ जाएगा 10.5 से 11 लाख के बीच में, बाकी डिपेंड करता है कहाँ से आप गाड़ी परचेज कर रहे हो। अगर आप फ्रंट देखोगे तो फ्रंट से जो लुक है कुछ इस तरह से आता है, सिंपल व्हाइट लुक आपको दे रखा है, कोई फैंसी चीजें नहीं है, नॉर्मल सी हैलोजन आपको हेडलाइट मिल जाते हैं। हाँ, क्रिस्टल क्लियर आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो फॉग लैंप है ये एक्सेसरीज का पार्ट है। हाँ, ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, अपने पैसे बचा लो। अच्छी चीज क्या लग रही है कि यहाँ पर जो आपको फ्रंट का बम्पर मिलता है ये आपको पूरा मेटल या फिर स्टील आप जो बोलो उसका मिलेगा इस तरीके से। तो यहीं से पता चल जाता है यार कि कितना ज़्यादा ये रगेड है, कितना ज़्यादा ये बोल्ड है, इसकी मजबूती कितनी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि जिसमें लोग सामान धोते हैं तो ऐसा नहीं कि बस हाईवे में चलते हैं, गली मोहल्लों में ले आते हैं, कहीं से भी कहीं टकरा जाता है, कभी दीवार में लग जाता है, कभी कुछ सामान लग जाता है, तो अगर प्लास्टिक का देंगे वो टूट जाएगा, फिर वो खर्चे वाली बात हो जाती है। और ये इस कार का एक पॉजिटिव पॉइंट भी बनता है कि ये जो व्हीकल है इसकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें लो मेंटेनेंस आती है, आपको ज़्यादा खर्चा करना ही नहीं है। अब इंजन की यहाँ पे बात करते हैं तो इंजन इसमें आपको बहुत पावरफुल मिल जाता है, मतलब ये जो इंजन का सीसी है वो यहाँ पे आपको बुलेरो से भी ज्यादा मिलता है। इसका जरा बोनेट खोलना, तो इसको खोलते हैं जरा, ये देखो इसका बोनेट भी काफी हैवी है भाई। हर चीज यहाँ पे आपको मेटल की मिलती है, कोई भी प्लास्टिक का पार्ट यहाँ पे यूज नहीं कर रखा। अब देखो जो इंजन है ये नॉर्मल जो कार होती है उससे यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल कार में देख रखा होगा उसमें इंजन क्या होता है इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होगा। इसमें आपको मिलता है 2.5 लीटर का स्ट्रेट सिक्स, इसको हम स्ट्रेट सिक्स इंजन कहते हैं, 2.5 लीटर का स्ट्रेट सिक्स टर्बो चार्ज डीजल इंजन, सिर्फ डीजल में ये गाड़ी आती है। टर्बो आप यहाँ पे देख सकते हो इंजन के बगल में लगा रखा है, जो कि पावर जनरेट करता है 75 BHP एंड 200 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि सुनने में उतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन आपको पता ही है सड़कों पे लोग इसको कितना सारा वेट कैरी करके ले आते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, देखो जब आप एक कैंपर देख रहे हो, एक पिकअप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर रखा करो अपने माइंड में, यहाँ पर आपको टॉर्क पे ज्यादा फोकस करना है। और टॉर्क इसमें मिल रहा है 200 Nm का, जो कि अच्छा खासा एक नंबर होता है, क्योंकि ये समवेयर अराउंड 1500 RPM में ही आपको 200 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करा देते हैं, तो जो कि आपको कार को चाहिए भी होता है। रही बात पावर की, तो 75 की पावर इनफ है, आपको कौन से रेसिंग करनी है, कौन सा आपको इसको 200 की स्पीड में भगाना है, तो इतनी पावर डिसेंट है। मेन टॉर्क है, टॉर्क ही आपको बड़ा जबरदस्त दे रहा है। हाँ, क्योंकि इन गाड़ी में टॉप स्पीड मैटर नहीं करती है। एक चीज और नोटिस करना, हर महिंद्रा की जितने पिकअप होते हैं, ऐसे जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं इनमें स्पीड लिमिटर लगे होते हैं, यहाँ पे लगा भी होता है, देखो जैसे इसमें लगा हुआ है सेट स्पीड 80, मतलब ये जो पिकअप है, ये जो ट्रक है, इसको हम ट्रक भी कह सकते हो, पिकअप जो भी कह सकते हो, ये 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जाता। लेकिन कई सारे लोग कहते हैं यार ये हाईवेज में तो बहुत तेज भागते हैं, 100-120 भी चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग इनको ओन करते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो इसमें से जो लिमिटर होते हैं उसको हटा लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उनकी मर्जी, उन्होंने अब खरीद लिया, वो इसमें से लिमिटर जो है हटा देते हैं, तब ये इतनी तेज स्पीड में जा पाते हैं। बाकी एक चीज और गौर करना, इसका जो व्हील बेस है वो देख रहे हो भाई कितना बड़ा है, मतलब अच्छा खासा व्हील बेस है, बुलेरो से ज्यादा, मतलब बुलेरो थार तो कुछ भी नहीं है इस व्हील बेस के सामने, बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पे देख रहे हो पीछे लोडिंग के लिए और अंदर कैबिन में जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। अब बहुत अच्छी भी नहीं है कैबिन स्पेस, लेकिन आपके काम चलाओ जो स्पेसिंग है वो मिल जाएगी। और
जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छा खासा है। कितना ग्राउंड क्लियरेंस है इतने यहाँ पे? 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, और जैसा तू कह रहा है कि अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि जब अंदर 5 लोग बैठ जाएंगे, पीछे उन्होंने 1 टन तक का वेट डाल रखा है, तो गाड़ी बहुत ज्यादा नीचे दबती है, तब इतना ग्राउंड क्लियरेंस मेरे हिसाब से होना चाहिए। पहाड़ों में भी आप इसको इजिली लेके जा सकते हो, जैसे पीछे देखो 4x4 भी लिखा हुआ है इसमें, आपको 4x4 का शुरुआत से बताना ऑप्शन मिल जाता है, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब पीछे देख लो, भले यहाँ पे जो ट्रॉली का साइज है वो दिखने में उतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे भी आप अच्छा खासा वेट कैरी कर सकते हो। इसमें आप ऑलमोस्ट 1 टन तक का वेट लेके जा सकते हो। अब ले आने को तो लोग उससे ऊपर वेट भी रख के ले आते हैं, लेकिन ले आना मत। बाकी देखो पीछे यहाँ पे आपको जो गार्ड रेल है ये भी मिल जाती है, मतलब पीछे अगर मान लो कुछ बड़ा सा लगेज रखा है तो उससे क्या ना यहाँ पे शीशा दे रखा है, उस पर कोई डैमेज ना है, इस पोर्शन में कोई डैमेज ना हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो रेलिंग है ये मिल जाती है। और अगर आप अंदर बैठे हो अपने सामान में एक बार चेक भी कर सकते हो कि सामान कैसा है, ढंग से रखा है नहीं रखा है, गिर रहा है नहीं गिर रहा है, जो भी चीज़ है आप यहाँ से देख भी सकते हो। हाँ, बाकी जो डीजल है उसको आप यहाँ से फिलअप करते हो। इसमें कितने लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है हमें? 57 लीटर का भाई डीजल का टैंक आपको मिलता है इसके अंदर, जो कि अच्छी खासी कैपेसिटी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और टायर की साइज की बात करें तो इसमें आपको 15 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं। टायर की प्रोफाइलिंग देख लो एक बार, कितनी मोटी है, और इसमें ग्रिपिंग देखो एक बार, ये अच्छी खासी ग्रिपिंग है। मतलब अगर आप इसको हाईवे में ले आ रहे हो, फिर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कहीं भी गली मोहल्ले किसी जगह भी ले आ रहे हो ना, ग्रिपिंग आपको अच्छी मिल जाती है। ट्यूबलेस टायर है, ट्यूब वाले टायर होते हैं इनमें? इसमें हमें मिलते हैं ट्यूब वाले टायर, क्योंकि देखो ये कॉस्ट कटिंग का पार्ट होता है, अगर ट्यूबलेस डालेंगे फिर टायर की कॉस्टिंग बढ़ती है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, टायर रेडियल है, और जैसे युगल बता रहे हैं कि इसमें आप ग्रिप वगैरह चेकआउट करो, तो इस ग्रिप से होने वाला क्या है कि आपका जो टायर है यहाँ पे काफ़ी लंबा रन करता है, मतलब आपका टायर बहुत जल्दी नहीं घिसेगा, अच्छा खासा यहाँ पे रन करेगा, तब जाके आप इसे चेंज करा पाओगे, तो यहाँ भी आपके पैसे बच जाएंगे। और सस्पेंशन की बात करें तो इसमें देखो पीछे आपको नॉर्मली जो पिकअप्स में आपको मिलता है लीफ स्प्रिंग्स में सस्पेंशन होते हैं वो मिल जाएंगे। और पीछे कैसे देखो, अभी तो यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा पीछे का, इससे थोड़ा इस तरह से दिखता है नॉर्मल से। यहाँ पे आपको पीछे लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर लाइट, बैक लाइट, सब चीज़ें मिलेंगी, महिंद्रा लिखा हुआ है, और इससे आप जो इस पीछे का डोर है इसको ओपन करेंगे, अभी इसे खोल नहीं सकते, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी में टकराए गए। बाकी गौर करो यहाँ पे छोटे छोटे आपको ये हुक दे रखे हैं, यहाँ पे अपना सामान अगर आपने कुछ रख रखा है तो उनको आप ढक भी सकते हो, और अगर बाद में तो बाद लो, आपकी मर्जी रहेगी। अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप पीछे गौर करोगे तो यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। कैमरा भी अगर मिल जाता तो ठीक था, लेकिन शायद कैमरे के लिए उन्हें स्पेसिंग दे रही है, कैमरा भी हमें प्लेस कर सकते हो, तो ये बड़ी सही चीज़ लगी मेरे को। अगर आप सोच रहे हो कि यार इसमें स्टेफनी आती है कि नहीं आती, मतलब एडिशनल जो पहिया होता है, जी हाँ बता दूँ आपको, इसमें आपको स्टेफनी मिलेगी, वो भी आपको देख रहे हो इस तरह से नीचे मिलती है, जैसे आपको और बड़ी गाड़ियाँ मिलती है, ये भी आपको सेम वही जो 15 इंच की है वही मिलती है। अब एक बार इंटीरियर में दिखा देता हूँ आपको, तो देखो वही बेसिक चीज़ें, कोई फैंसी चीज़ें नहीं मिलती इस गाड़ी में आपको। नॉर्मल से आपको देखो ये पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है, मैन्युअली आपको इस तरह से चीज़ों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, 4x4 का जो लिवर है वो आपको नीचे मिलता है इस तरह से। बाकी इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाएगा, और मैं अंदर बैठ के दिखाता हूँ, सीट को थोड़ा पीछे करते हैं, तो देखो भाई बेसिक सी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इसमें आपको ना एयरबैग मिलता है, नहीं इसमें आपको ABS मिलेंगे, हाँ पावर स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, क्लियरली वहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी था, जहाँ पे कैंपर लिखा हुआ था, पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। हाँ ना ही कोई आपको AC मिलता है, ऐसी कोई फैंसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, बस ट्रक चलने, ये पिकअप चल जाए, वही वाली चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। क्यों है तीन? अब इसका रीज़न होता है, देखो इसका ना पर्पस अलग है, इसका पर्पस आपको कंफर्ट देने का नहीं है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी आप लोग यहाँ से ट्रैवल करो अपना सामान लेकर के, वो आप कम पैसों में एक गाड़ी भी ओन कर लो, चले भी जाओ, तब इसमें ना तो आपको एयरबैग्स मिलते हैं, ना ही इसमें आपको कोई यहाँ पे फैंसी फीचर्स वगैरह मिलते हैं AC वगैरह, तभी शायद यहाँ पे लिमिटर भी लगाया कंपनी ने कि 85 तक की स्पीड में चलाओ, अगर उससे ऊपर टकराओगे तो फिर ये मत कहना कि एयरबैग खुल नहीं रहे करके, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, बाकी अगर देखोगे तो ये आई थिंक जो ये चीज़ लगा रखी है एक्सेसरीज का पार्ट है, आप चाहो तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसको लगवा सकते हो। हैजार्ड लाइट का बटन आपको मिलेगा, और एक 12 वोल्ट का इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है अपना फोन वोन या कोई भी चीज़ चार्ज करने के लिए। थोड़ी स्पेसिंग दे रखी है यहाँ पे, यहाँ पे हैंडल दे रखा है, इसे आपको बुलेरो में मिलता है, और इसके अंदर अपना कोई डॉक्यूमेंट पेपर वर्क आप कैरी कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें स्पीकर वगैरह क्या है, क्योंकि इसमें आपको इंफोटेनमेंट तो मिलता है, तो स्पीकर आपको इसके नीचे मिलता है। यहाँ पर 2 इसमें आपको मिलेंगे, दोनों आपको डैशबोर्ड के नीचे मिलते हैं, जैसे आपने रेनॉल्ट की गाड़ी में देखा होगा क्विड में, वहाँ फ्रंट डैशबोर्ड में ऊपर दे रखे हैं, इसमें आपको नीचे की तरफ को देते हैं। ये गाड़ी का मेन काम क्या है, जैसा आपकी फैमिली है और आपका अपना बिजनेस भी है, और आपको आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक और एक गाड़ी अलग से और ओन कर लो, तो यहाँ पे एक आपके बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपके पास एक गाड़ी भी आ जाएगी जिसमें फैमिली के 4-5 लोग बैठ सकते हो, और अगर आपको अपना सामान वगैरह शिफ्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये ड्यूल पर्पज़ गाड़ी है, आपको एक्स्ट्रा ये नहीं करना कि एक्स्ट्रा पैसे लेकर के आपको फिर एक और गाड़ी परचेज करनी है, तो ये सब चीज़ें इसमें करनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब इसको हम एक मल्टीपर्पज़ पिकअप कह सकते हैं। और जो स्पीडोमीटर है वो भी आपको देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे छोटा सा ट्रिप दे रखा है जिसमें आप में देख रहे हो ऑयल टेम्परेचर हो गया, इसमें फ्यूल कितना है, डीजल कितना हो रखा है, वो सब चीज़ देखेगी, स्पीडोमीटर हो गया, वॉइन लाइट साइड में आपको यहाँ पे शो होती है।
बाकी और ये एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ शो करता नहीं है, मेन मेन चीज़ें जो काम की होती है वो सब ये शो कर देता है। नीचे आपको एक SOS का बटन मिल जाएगा और लाइट की बीम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और जो फॉग लाइट अगर आप एसेसरी में लगाते हो तो आपको इस तरीके से आपको उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी इसमें रीजन का भी बटन मिल जाता है। एक लास्ट पीछे की जो सीट है वो दिखा देते हैं आपको, बाकी तो हमने आपको इसमें जितनी भी चीज़ थी वो सब दिखा दी है। तो देखो भाई पीछे की जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, पूरी बेंच टाइप की सीट मिल जाती हैं। देखने में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल लेगरूम स्पेस नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, मैं बैठ चुका हूँ इसमें, आपको जो लेगरूम स्पेस है वो डिसेंट मिल जाता है। बैक सपोर्ट उतना बढ़िया नहीं क्योंकि जो सीट है बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप शहर के अंदर की बात करो तो वहाँ तो आपको ठीक बढ़िया कंफर्ट आएगा, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा लंबा चले आते हो, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चले आते हो, तो पीछे जो तीन लोग बैठे होंगे उनको बैक सपोर्ट में उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ हेडरूम स्पेस इसमें आपको बढ़िया मिल जाता है, एक लाइट भी आपको मिल जाएगी। और पीछे सही बताऊँ पीछे तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, आगे एडजस्ट करके तीन लोग बैठ सकते हैं, दो को तो बहुत अच्छा कम्फर्ट है, एडजस्ट करोगे तो तीन लोग उसमें बैठ जाओगे। तो देखा है तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, आपको थोड़ा कम्फर्ट भी मिल जाएगा, आपको जो पावर है वो सभी चीज़ें इसमें आपको ऑफर हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता है, आई होप कि आपको मदद हो गई होगी इस कैंपर ट्रक की वीडियो देख करके। अगर आपको वीडियो सही लगी है और आपको ऐसी ट्रक्स की वीडियो और देखनी है तो कमेंट जरूर से करना, हम ऐसे कमर्शियल पिकअप व्हीकल्स भी करते रहेंगे। बाकी जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही है कि हम मेनली जो करते हैं कार के रिव्यूज़ ही करते हैं, तो मेहनत अच्छी लगी भाई लोग की, तो लाइक जरूर से करना वीडियो को और नए लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना। बाकी अगर आपको इसके बारे में जानना है, प्राइस वाइज के बारे में, कौन से पिकअप में कोई ऑफर चल रहा है, कुछ डिस्काउंट कोई भी चीज़ है, तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर लेना, इनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये आपको अच्छे से बता देंगे। फिर से हमने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।